हेलो दोस्तों, ये HF डिलक्स जो इसके अंदर ये कॉम्बो ब्रेक आती है वो निकालने वाले हैं। निकालने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा और क्या क्या डालना पड़ेगा वो दिखाने वाले हैं। तो पहले इसका एक जोस खोल लेते हैं, इसके आगे बताते हैं क्या खोलेंगे। तो दोस्तों, ये सब निकाल दिया है हमने, ये सब निकल चुका है यहाँ से। और नई कौन सी चीज डालनी पड़ेगी, ये नया आ गया, ये नया आ गया, और ये दोनों पुराना चलेगा। ये निकल जाएगी तो इसकी MRP है 255 रुपये। इसका ये पार्ट नंबर है। तो दोस्तों, एक ये नहीं आने वाला है ब्रेक सरिया, और इसका साइड में मैं पार्ट नंबर और प्राइस दोनों दे दूंगा, देख लेना। और ये स्प्रिंग 10 या 15 रुपए की आ जाएगी ये स्प्रिंग। और इसके अंदर ये 6603 नंबर का बेरिंग है, और ये चेंदाती का बेरिंग आता है। ये पुराना भी होगा तब भी चलेगा, ये इसके अंदर सही से आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे डालना है, ये बेरिंग यहाँ पे आ जाएगा। और इसको चलो फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद आगे दिखाते हैं।
हिसाब से ये छोटा है, इसलिए तो अपने हिसाब से ये काट सकते हैं। ये दो बाइक में एक स्प्रिंग चल जाती है और यहाँ पे बेरिंग डाला हुआ है तो इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, इसलिए तो अब ये सही तरीके से ब्रेक लगने वाली है। तो पुरानी बाइक में लगती थी ऐसी, तो चलो इसका एक जो फटाफट ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे टच कर रहा था, इसलिए यहाँ पे दबा दिया है इसको, कुछ नहीं करने वाला। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहती है।